काठियावाड़ी देखा है, हाउ वाज द मूवी? वाज फिनोमिनल। ये एक स्टोरी है लेकिन इसका जो मोटिव है ये कि ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस, है ना। और गंगूबाई जो थी उन्होंने हमेशा सोल्यूशन के पीछे भागे, वो प्रॉब्लम को लेके वो रोती नहीं बैठी, वो सबकी आवाज़ बनी। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड लेसन दैट वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम दिस मूवी। आई नो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं नाम को लेके वगैरह, देखो हर चीज़ की ना नेगेटिव चीज़ें भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट वी शुड टेक फ्रॉम द मूवी एंड अप्रिशिएट द होल टीम व्हाट दे हैव डन। कास्टिंग वाइज सब सही था लेकिन मुझे लगता है विजय राज जी का जो रोल था, आई थिंक वो अगर कोई ट्रांसजेंडर खुद करती तो वो बहुत ही जस्टिफाइड होता, क्योंकि आई फील विजय राज इज एन फिनोमिनल एक्टर इन हिमसेल्फ। ही डिजर्व्स अ लेंदी रोल, उतना छोटे रोल पे डजंट जस्टिफाई। फैबुलस, फैबुलस। इनिशियली तो लगता था कि कोई और करती तो शायद उतना इम्पैक्ट करता, बिकॉज आलिया को हमें एज अ क्यूट गर्ल, पर उन्होंने इम्पैक्टफुल बड़ा मज़ेदार दिया। एंड जो उनकी आवाज़ मॉड्यूलेशन थी, एंड द मेनली उनके जो डायलॉग है कि शक्ति शक्ति समृद्धि और सम लाइक सभी औरतें हैं तो मर्दों को किस बात का गुरूर, तो दैट वॉज एन इम्पैक्टफुल डायलॉग। आई लव हिम, आई लव हिज डायरेक्शन, इवन हिज म्यूजिक डायरेक्शन, इज सारी म्यूजिक डायरेक्शन भी उसमें, सारी म्यूजिक उन्होंने ही दिया इसमें। फाइव है। उनका भी एक्ट बहुत सही था, संजय लीला भंसाली का जो डायरेक्शन था सुपर था, सेट डिजाइन मतलब टोटल सारी चीजें फाइव। उसका भी मस्त लगा, मस्त लगा। अगर गाने की बात की जाए कौन सा गाना है जो आपको सबसे ज्यादा? सारे सॉन्ग्स अच्छे थे, सारे सॉन्ग्स अच्छे थे। फाइव। मूवी बहुत अच्छी। वन मिनट, प्लीज वन रिव्यू, मैम बोलो। हाउ वाज द मूवी मैम? प्लीज। अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ज़्यादा, उसके लिए कोई कमेंट ही नहीं है। एक नंबर, एक नंबर लगे। हाँ, अजय देवगन, शांतनु महेश्वरी, ये सब के बारे में क्या? सब अच्छे लगे उसमें। संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन किस तरह से आपको पसंद आई? बस अच्छी थी। सॉन्ग्स पसंद है? हाँ। और तो फाइव स्टार कितना? फाइव। इधर ऑपरेट दोनों से, आप दोनों से मास्क लीजिए प्लीज। बोले तो जानना चाहूंगी गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। आलिया भट्ट एज ए गंगूबाई कैसी लगी? बहुत मस्त। और क्या कुछ बताना चाहेंगे परफॉर्मेंस? अजय देवगन की भी एक्टिंग अच्छी है और जो गुजराती गरबा है वेरी बेस्ट। मैम आप क्या? वही वही सेम। म्यूजिक कितना पसंद आया आपको? म्यूजिक भी अच्छा है लेकिन जो दूसरी पिक्चर है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। लेकिन अच्छा है, अच्छा लगा। संजय लीला भंसाली की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से लगी आपको? एकदम रियलिस्टिक, रियलिस्टिक लगी। और डायलॉग्स कितने पसंद आए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म का बेस्ट सीन क्या कुछ लगा आपको? बेस्ट सीन तो जो उनका भाषण है ना वो देट इज बेस्ट। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार आप लोगों को कितना देंगे? 4। आपका? एक सेकंड में एक वीडियो ले सकती हूँ? कैमरा ऑन। या हाय, कैसी लगी आपको मूवी? एक्चुअली फिल्म बहुत अच्छी थी, आलिया भट्ट से एक्सपेक्टेड नहीं था बट काफ़ी कुछ अच्छा किया। आलिया भट्ट एज ए गंगूबाई कैसी? अच्छी लगी एक्चुअली, लगा तो नहीं था कि इतना अच्छा होगा बट काफ़ी अच्छा लगा और फिल्म वाकई अच्छी थी। स्टार कास्ट की बात की जाए, विजय राज, अजय देवगन और बहुत सारे स्टार कास्ट हैं जो विजय राज, तो आई थिंक नो डाउट उनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ही इज अ नाइस एक्टर, सुपर एक्टर। बट आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और अजय देवगन भी अच्छा लगा मुझे। ओके, फिल्म का अगर म्यूजिक या फिर डायलॉग्स की बात की जाए वो किस तरह से आपको प्रभावित किया? आई थिंक म्यूजिक बहुत प्यारा था फिल्म का, डायलॉग्स, म्यूजिक और एक्चुअली कास्टिंग पूरी अच्छी थी। आई लव द फिल्म। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितना? 4। थैंक यू। सो हाउ वाज द मूवी? मूवी बहुत ही प्यारी थी और जैसे कि अपन सब देखते हैं संजय लीला भंसाली की मूवी वैसी आती हैं, वैसी ही थी। और आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छा तो करती हैं वो, पर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा किया, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था इस मूवी। हाँ, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अजय देवगन के बारे में क्या बोलोगे? अनदर लेवल एक्टिंग, तो बिल्कुल फाड़। कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगा? आलिया के जितने भी डायलॉग थे सारे ही बेस्ट। म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? म्यूजिक बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा था म्यूजिक में, तो 5।
संजय लीला भंसाली के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे डायरेक्शन वाइज, कितना पसंद आया? उनका तो देखो नाम देख के ही मूवी देखने आ रहे हैं और जो उम्मीद लेके लोग आएंगे वो उम्मीद उस पर पूरी खरी उतरी है मूवी। और ना 5 स्टार कितना दोगे आप? 4.5। थैंक यू। कम यार कम यार। प्लीज जॉइन। हिंदी में बोलेगी क्या क्या बोलते हैं लेकिन मैम? मस्त प्लीज। हां मूवी कैसी लगी? ए मस्ती मूवी, एक नंबर मस्ती मूवी, अच्छी लगी मूवी, एक नंबर लगी मूवी एंड इट्स अ सुपर्ब मूवी, एवरीवन शुड वॉच इट, गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड यू शुड रिस्पेक्ट द वुमेन्स एंड यू शुड गिव द इक्वालिटी लाइक वॉट एवर दे आर राइट नाउ ऑल्सो द सेम सिचुएशन इज देयर बट यू शुड रिस्पेक्ट इफ यू गो देयर एंड समथिंग एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आलिया भट्ट के अगर कोई और भी होते हम भी होते ना तो यही सेम एक सिचुएशन होती एक चीज। अगर नेक्स्ट टाइम फिर से आएगी मूवी देखने अच्छी लगे। बैक अगेन टू वॉच द मूवी। जानना चाहूंगी आलिया भट्ट एज ए गंगूबाई कैसी लगी आपको? सुपर, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छे लगे, अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगे सच में। अजय देवगन की भी एक्टिंग मस्त थी, उनको भी अच्छा लगा स्टार्टिंग में जब वो थे तब भी अच्छा लगा। अजय देवगन की जगह अगर संजय दत्त होते उस रोल में तो अच्छा लगता बिकॉज गैंगस्टर टाइप के रोल्स में अजय देवगन सूट्स द मोर एंड अजय देवगन का वो स्टाइल पसंद है एक सिगरेट पीना हमेशा। जिस तरह से संजय लीला भंसाली इस स्टोरी से देना चाहते हैं ऑडियंस क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जो मैसेज है उनका कि आज के ज़माने में जो बोलते हैं ना प्रोस्टिट्यूट, जो प्रोस्टिट्यूट को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता उनका आज भी लोग नाम देते हैं प्रोस्टिट्यूट, तो वो नाम की जगह उनको एक यू से ना लेडी और अ वुमेन इफ़ यू कॉल सो दैट विल बी बेटर, दैट्स अ मैसेज शुड बी गिवन टू देम। सॉन्ग्स के बारे में क्या ख्याल है आपको? एक नंबर सॉन्ग अच्छा है एंड ढोलीरा वन विद द इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती वर्जन इज अ गुड वन। डायलॉग तो वो है कि वो आज तक किसी की है ना कि मिसेस नहीं बन पाई और ना किसी ने उनको बनने दिया, दैट्स अ थिंग, दिल का पत्थर बना लिया था। हाँ, दिल को उन्होंने ऐसा पत्थर बना दिया कि किसी का कुछ बन नहीं पाए वो। मूवी बहुत अच्छी है, बोला इसको फायर मूवी है, फायर आलिया इज फायर टोटली। आलिया का जो रोल है जी गंगूबाई का, वो किस तरह से आपको प्रभावित किया या फिर उनके कैरेक्टर के बारे में वो किस तरह से वो निभाई है? जैसे गंगूबाई का जो कैरेक्टर उनको मिला वो बखूबी से निभाई गई है, उस कैरेक्टर को उन्होंने मतलब साबित कर दिया कि इस रोल को उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता था। मतलब कि जब ट्रेलर आया था तो उनके खिलाफ नेगेटिविटी हो रही थी कि ये जो रोल है सही से नहीं कर पाएगी क्योंकि ट्रेलर में तो दिखता नहीं है उसका, लेकिन अब देखो फुल मूवी 2 घंटा 37 मिनट की, आपको समझ में आएगा कि आलिया क्या चीज़ है, बंदी ने साबित कर दिया। जी जी रहीम लाला का कैरेक्टर ने बारे अजय सर, अजय देवगन सोने पर सुहागा इस मूवी में, जब जब वो आया जैसे लगता कि सिटी तालियां मारो, लेकिन मल्टीप्लेक्स है थोड़ा मजबूर था, लेकिन उनके हर एंट्री पर आपको मन करेगा कि सिटी तालियां से उनका स्वागत करें। विजय राज का जो रज्जा सुल्ताना का कैरेक्टर है उनका भी रोल थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जहाँ थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत अच्छे है। अगर म्यूजिक की बात की जाए कितना आपको पसंद आया? म्यूजिक अच्छे हैं, सॉन्ग थोड़ा जो था हाँ सॉन्ग मेरे को जो फर्स्ट सेकेंड हाफ में जो एक सॉन्ग है लास्ट में जो नवरात्रि के समय में होती है ढोलीरा, काफ़ी अच्छी डांस किया आलिया भट्ट ने, सुपर। डायलॉग्स अजय देवगन का कि वो लाला रहीम लाला को घर उजड़ना पसंद नहीं घर बसना पसंद है, सुपर। आलिया भट्ट का सारे डायलॉग्स फाड़ू है भाई टोटल। बेस्ट सीन मतलब कि इमोशनल जो जब जब वो इमोशनल दिया औरतों को लेके, मतलब कि 40,000 घर औरतों को घर उजड़ने से बचाती हैं वो, मतलब किस तरीके से वो लड़ती हैं अपने हक के लिए, बहुत अच्छे तरीके से मूवी बनाया, काफ़ी अच्छी मूवी है, 4 स्टार दूंगा मूवी को। सर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी देख कर आया, हाउ वाज द मूवी सर? हमको तो मूवी बहुत अच्छी लगी और गंगूबाई का रोल भी बहुत आलिया भट्ट ने बखूबी निभाया है। जो एक्सपेक्टेशन था उसको खरी उतरी है ये मूवी? हाँ हाँ, अब समझ लीजिए सबसे पहली बात कि कम से कम 4 साल के बाद ये फन सिनेमा में 9 बजे का पहला सोल हाउसफुल मैंने 4 साल बाद देखा, अभी तक हाउसफुल मैंने नहीं देखा है, और इन लोग को भी लिखना पड़ेगा कि नहीं हुआ है हाउसफुल, भले आज 50% में हुआ लेकिन हुआ ना, 10-12-15 आदमी 3-4 साल से आ रहे थे और आज हाउसफुल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को बेसर भी से जब से पोस्टर लगा 25 तारीख का तब से इंतज़ार तो था ही,
तभी हाउसफुल हुआ। देखिए अजय देवगन का रोल बहुत ही अच्छा है, उन्होंने उस समय का जो करीम लाला का रोल किया वो किया है, अच्छा है। विराज राज का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रोल निभाया। डायलॉग्स अच्छे हैं लेकिन डायलॉग का मार नहीं है इसमें। कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद आया? डायलॉग लास्ट में जो बोले ना वो बहुत अच्छा आया कि फिल्म की हीरोइन बनती है, बनने के लिए जो आती है वो हर शुक्रवार को पोस्टर में उतर जाती है, लेकिन गंगूबाई ऐसी चीज थी जो 50 साल तक पोस्टर में रही। संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन जो जानी जाती है, क्या इसमें आपको नजर? हाँ, 100% है संजय लीला भंसाली की एक्टिंग बहुत ही, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। उन्होंने जो 2-4-5-10 चीज का चित्रण किया है वो हूबहू 1950-60-70 वाला ही हुआ है। आउट ऑफ 5 एलगी 4 चार चैनल में आ जाएगा। गंगूबाई कातियावाड़ी मूवी आपको? पिक्चर बहुत बढ़िया थी, अच्छी मूवी है। और वन साइड है आलिया भट्ट पे ही पूरी पिक्चराइजेशन है, नारी प्रधान पिक्चर है। 100% उन्होंने कोशिश की है कि उनको न्याय दिया जाए और वो सक्सेस भी हुई। अच्छे से वो परफॉर्मेंस दी है आलिया भट्ट? नहीं, डेफिनेट नहीं, बहुत बढ़िया कोशिश की है। आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। और अजय देवगन के बारे में क्या बोलना? अजय देवगन का रोल थोड़ा छोटा था लेकिन वजनदार था, और अजय देवगन भी मल्टी स्टार है तो वो उनका कैरेक्टर में ही इज़ ऑलवेज सक्सेस, कोशिश उसकी रहती है, उनका रोल भी बढ़िया रहता है। विजय राज जी का रोल कुछ हटके था और मेकअप वगैरह कुछ ज़्यादा था तो जल्दी पब्लिक पहचान नहीं पाएगी कि विजय राज जी थे, लेकिन उनके भी रोल में उन्होंने न्याय देने की कोशिश की है। नहीं, मैसेज तो संजय लीला भंसाली ने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन जैसे कि कमाटीपुरा है जो एरिया है और सिक्सिस में लेके जाने की कोशिश की थी तो वो टाइम में पब्लिक इतनी अवेयरनेस नहीं थी ये सब चीज़ से। नो डाउट मे बी ओनली 5% पब्लिक इज़ नो। अब ये पिक्चर से मालूम पड़ेगा कि कमाटीपुरा क्या चीज़ थी, क्या होता था, कैसे होता था। आजकल के जनरेशन को अब जाके समझ में आएगा। 5 में से कितना स्टार? 4 मार्क्स।